हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल्स पैशन। आज की हमारी रेसिपी है डायरेक्ट फ्रॉम अ सिंधी किचन, सिंधी भुगे चावल। भुगे का मतलब है भुना हुआ। तो आज हम भुने हुए प्याज यानी कैरमलाइज अनियन के साथ बनाएंगे ये सिंधी पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। भुगे चावल बनाने के लिए हम 2 कप राइस को वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर लेंगे। 2 बड़े प्याज लंबे और बारीक कटे हुए, 2 से 3 तेज पत्ता, 5-6 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और कुकिंग के लिए ऑयल। हम एक सिपरी में लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च। इन्हें हम 10 से 15 सेकंड तक सौते कर लेंगे और फिर हम डालेंगे प्याज। और प्याज डालने के बाद हम इन्हें लो फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इनमें अच्छा डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। जब प्याज कुछ इस तरीके से ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप पानी, नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाएं। अब हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और हम इसमें डालेंगे लगभग 3 कप पानी। पानी चावल की क्वांटिटी से हमेशा दुगना होना चाहिए। अब हम इसे हाई फ्लेम पे करके एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। क्योंकि हमने 2 कप चावल लिए थे तो हम टोटल 4 कप पानी डालेंगे, 1 पहले और 3 अभी। बॉयल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सोक किए हुए राइस और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम डालेंगे गरम मसाला और इन्हें एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे राइस को बॉयल होने देंगे। हमारे राइस अच्छे से 10 मिनट तक बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें कवर करके 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। हमारे सिंधी भुगे चावल अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वाओ, दे लुक एंड स्मेल अमेजिंग। चलिए अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। भुगे चावल सर्व किए जाते हैं सिंधी साई भाजी, आलू के टूक या तले हुए आलू और पापड़ के साथ। सिंधी साई भाजी का वीडियो रेसिपी लिंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।